मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन में क्लिक कीजिए ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके। हाय फ्रेंड्स, मैं शुभजीत कंप्यूटर टीचिंग इंस्टीट्यूट से। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊं कि किस तरह से आप लोग टैली में किए गए कोई भी ट्रांजैक्शंस का या डे बुक का या कोई भी परचेस या सेल एंट्रीज का जो रिपोर्ट है वो आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। तो चलिए फ्रेंड्स सीखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे टैली को ओपन करके रखा है, जहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोग यहाँ से कोई भी रिपोर्ट को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले DAL प्रेस कर लेता हूँ, मतलब यहाँ पे लेजर वाइज डिटेल्स को देखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए लेजर वाइज डिटेल्स मेरा आ चुका है, जितना सारा लेजर्स मेरा है वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ से मैं कोई भी एक स्टूडेंट्स का, मानिए कोई भी एक स्टूडेंट्स का डिटेल्स मैं एक्सेल में कॉपी करना चाहता हूँ, मतलब एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो चलिए यहाँ पे सपोज निखिल शर्णकार लिखते हैं, निखिल, तो ये आ गया है, एंटर देते हैं। तो यहाँ पे बस एक ही रिपोर्ट दिखा रहा है, लेकिन मुझे एक चार से चाहिए। तो अब F2 दबा के अब यहाँ पे 14 लिख के बस दो बार एंटर दे दीजिएगा, तो जहाँ तक आपका ये अपडेट है वहाँ तक दिखा देगा। तो ये आ गया है, देखिए निखिल शर्णकार का यहाँ पे टोटल डिटेल्स जब जब फीस दिया है वो यहाँ पे आ चुका है। तो अभी इसको हमको एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में, तो वो कैसे करते हैं उसको करने के लिए आपको कीबोर्ड से दबाना पड़ेगा Alt-E। यहाँ तो यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट दिखा रहा है, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो Alt-E दबाते हैं, Alt-E दबाने के बाद यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट लेजर आ रहा है जो पहले से यहाँ पे दिखा रहा है एक्सेल, ठीक है, जो पहले से यहाँ पे एक्सेल दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपको अगर कुछ चेंजेस नहीं करना तो बस आप येस में क्लिक कर दीजिए या तो एंटर दे दीजिए तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस करना हो तो आपको बैकस्पेस दबाना होगा। तो मैं बैकस्पेस दबाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लैंग्वेज में कुछ भी चेंजेस करने का नहीं है, फॉर्मेट भी मेरा एक्सेल में हो तो एक्सेल दिखा रहा है यहाँ पर ऑलरेडी। HTML में भी हम लोग कर सकते हैं, XML में कर सकते हैं। आउटपुट फाइल नेम, यहाँ पे देखिए आउटपुट फाइल नेम हर बार ये daybook.xls नाम से ही होगा, लेकिन आपको अगर चेंज करना होगा, आपको अगर चाहिए कि जिस स्टूडेंट के नाम से मैं यह रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ उसी के नाम से हो, तो आप यहाँ से इसको चेंज करके जो नाम आप देना चाहते हैं वो भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। दे दिए, देने के बाद बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ होता है जी कि विथ कलर या विदाउट कलर, आप अगर येस करते हैं तो यहाँ पे कलरफुल आएगा, तो हमको चलिए कलरफुल चाहिए तो येस कर देते हैं यहाँ पे। और कुछ चेंजेस नहीं करना है, बस आपको ऑल्ट एंटर दबाना है, मतलब कंट्रोल दबा के आप ए भी दबा सकते हैं या तो ऑल एंटर कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स एक्सपोर्ट हो गया है। तो कैसे देखेंगे एक्सपोर्ट जो हुआ है वो कहाँ पर मिलेगा? देखिए ऐसे तो होता है, आप कंप्यूटर में आप सर्च कर लीजिएगा तो भी मिल जाएगा, और अगर सर्च करने पे नहीं मिलता है तो आपको ये मिलेगा जिस जगह पे वो है आपका जो टैली जहाँ पे सेव है। तो देखिए यहाँ पे टैली ERP 9 दिखा रहा है, इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए निखिल शर्णकार नाम से यहाँ पे एक एक्सेल फाइल आ चुका है। तो आप यहाँ से पहले इसको कट कीजिए, कट करके आपको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे पहले पेस्ट कर लीजिए। तो टैली का जो फोल्डर है वहाँ से आप इस फाइल को निकाल लीजिए, फिर जहाँ पे आप इसको रखेंगे उसके ऊपर जाके बस डबल क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे टोटल डिटेल्स दिखा रहा है कि 5/4 से, मतलब अप्रैल से जनवरी तक कितना कितना फीस निखिल शर्णकार ने दिया है, कब कब दिया है, कैश दिया है कि क्या दिया है, वो सभी वाउचर रिसीव कौन सा वाउचर, ये सभी यहाँ पर दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है, आप इस तरह से कोई भी ट्रांजेक्शन्स को आप एक्सेल में इस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को अगर और भी कई सारा जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसका भी एक्सपोर्ट देखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या क्या चीज़ों का आपको एक्सपोर्ट देखना है या सीखना है, तो मैं एक एक करके आप सभी का जो क्वेश्चन रहेगा उसका मैं आंसर दे दूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए, फिर मिलते हैं नए कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा। और हाँ से फ्रेंड्स, इस वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं रोज़ाना लाता रहूँगा। फ्रेंड्स थैंक यू।